हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगाबाइट फाइल्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 5 हॉलीवुड बॉक्सिंग मूवी। अगर आप भी हॉलीवुड बॉक्सिंग मार्शल आर्ट मूवी के फैन हो तो वीडियो को पूरा देखना, आई एम श्योर वीडियो आपको पसंद आएगा। पांचों मूवी को आप किसी भी ब्राउजर से हिंदी में डाउनलोड कर सकते हैं या अमेजन प्राइम नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पे है ब्लड एंड बोन। ये 2009 में आई एक एक्शन मार्शल आर्ट मूवी है। इसमें मेन लीड में है जय वाइट। इसकी स्टोरी एक स्ट्रीट फाइटर की है जिसे किसी रीजन से जेल हो जाती है एंड जब वो वापस आता है तो इसे एक आदमी फाइट करने के लिए कहता है, नहीं तो वो इसकी गर्लफ्रेंड को मारने की धमकी देता है। आगे की स्टोरी आप मूवी में देखेंगे, ये आपको पसंद आएगी। नंबर 4 पे है नेवर बैक डाउन। ये 2016 में आई एक स्पोर्ट एक्शन मूवी है। इसमें मेन लीड में है माइकल जे वाइट। इस मूवी की स्टोरी एक एक्स एमएमए फाइटर की है जो एमएमए वापस ज्वाइन कर लेता है किसी रीजन से। इस मूवी की फाइट काफी इंटरेस्टिंग है जो आपको पसंद आएगी। इस मूवी के 3 पार्ट है, ये पार्ट 3rd है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हिंदी में अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं इस नाम को एड नहीं किया हूँ इस लिस्ट में। सो आप एक बार जरूर देखना, ये आपको पसंद आएगी। नंबर 3 पे वॉरियर। ये 2011 में आई एक एक्शन स्पोर्ट मूवी है जो मेन लीड में है टॉम हार्डी। इसकी स्टोरी एक एक्स मरीन की है जो अपने घर वापस आता है। एंड एमएमए ज्वाइन कर लेता है और ट्रेनिंग के लिए अपने फादर्स के पास जाता है। स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब इसकी फाइट इसके खुद के भाई के साथ होती है। अब इसकी फाइट इसके भाई के साथ क्यों होती है ये आप मूवी में देखेंगे, बिकॉज स्टोरी रिवील करके मैं आपका मजा खराब नहीं करना चाहता। नंबर 2 पे है क्रीड। ये 2015 में आई एक स्पोर्ट ड्रामा मूवी है। इसमें मेन लीड में है माइकल बी जॉर्डन। इस मूवी को आप किसी भी ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अमेजन प्राइम पे आप जाके देख सकते हैं। इस मूवी की स्टोरी एक हैवी वेट चैंपियन की बेटी की है जिसके फादर की डेथ रिंग में एक हैवी वेट बॉक्सर के साथ हो जाती है। वो अपने फादर की मौत का बदला लेना चाहता है तो वो बॉक्सिंग ज्वाइन कर लेता है और उसी कोच के पास जाता है जिसने उसके फादर्स को ट्रेन किया था। आप आगे मूवी में देखेंगे वो अपने फादर्स का बदला ले पाता है नहीं। नंबर 1 पे रॉकी। मेन लीड में है सिल्वेस्टर स्टेलन। अगर बॉक्सिंग मूवी की बात की जाए और रॉकी को ना लिया जाए ये तो नाइंसाफी होगी। ये एक मूवी सीरीज है जिसमें टोटल 6 मूवी है 1976 से लेकर 2006 तक। रॉकी 1, रॉकी 2, रॉकी 3, रॉकी 4, रॉकी 5 एंड रॉकी बालबोला। इस रोल को सिल्वेस्टर स्टेलन ने प्ले किया है जो अमेरिकन बॉक्सिंग चैंपियन है। हर एक मूवी में इसने अलग अलग फाइटर से फाइट किया है एंड स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये काफी हिट सीरीज मानी जाती है एंड इसमें सिल्वेस्टर स्टेलन भी है। सो आप देखना एक बार, आपको पसंद आएगी। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हो और वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दो गाइस। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड लास्ट में हो सके तो शेयर कर दो, कोई फोर्स नहीं है। सो टेक केयर गाइस, बाय।